जो कविता है वो मैंने कोविड के समय में लिखी थी। वो समय हमारे लिए सबके लिए एक बहुत मुश्किल समय था। ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे जो महफिल में बैठा है जो कह सके कि मेरा कोई जानने पहचानने वाला जिगरी जिसने उसने नहीं खोया उस समय में, सबने खोया है। तो ऐसा ही एक शाम थी रात के 3 बजे की, उस दिन मैंने लगभग अपने 3 जिगरियों को खोया था। तो लिखा कुछ इस तरह है कि कहाँ गए टिमटिमाते तारे, कहाँ गए टिमटिमाते तारे, मानव विद्रोह के बादल छाए हैं, हवा नशीली भूमि मेली, अब मुश्किल जीने की राहें हैं। हाथ जोड़कर सर झुकाकर करता नमन सवालों के जवाब देने, बाबा तुम कब आओगे, रुकी सांसें बहुतों की कब रुकेगा ये सिलसिला, बहते आंसू घर घर देखे देखी जल्दी सबकी लंका, भूखा बैठा कई दिन आसाए बोला मुंह से तू कब तक मेरे लिए खाना लाएगा, लादे विष के दो घूंट पीकर मैं मर जाऊंगा, कलयुग काल में लौट कर फिर कभी ना आऊंगा, बाबा कब तक देखूं ऐसे लोगों की भीड़ा, कब तक पहुंचूं उस माँ के आंसू जिसने अपना बच्चा खोया, कैसे बनूं उस विधवा का सहारा जिसका दामन उसके पति ने छोड़ा, बाबा फिर से बांध लो अपनी डोर, बाबा फिर से बांध लो अपनी डोर, तेरे बिना ये जग हारा हारा है, तू ही हमारा अंतिम सहारा है। आंख बंद होते ही मैंने देखी एक छवि, एक हाथ त्रिशूल दूजे हाथ राम नाम की माला, गले में बैठे शेषनाग, पांव के नीचे कैलाश सारा, माथे पर है चंदा और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, सवालों के जवाब देने बाबा महाकाल आए हैं। बोले मोसे तू डरता क्यों है, तू घबराता क्यों है, तूने थामा मेरा हाथ है, तू करते जा जन कल्याण का कार्य, तेरा बाबा तेरे साथ है, तू मत देख दूसरों की पीड़ा, क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, तेरी हर हार तेरी जीत है, ये वक्त तुझे और मजबूत बनाएगा, कलयुग की परेशानियों से लड़ना सिखाएगा, और मेरे बच्चे, और मेरे बच्चे तू फिक्र मत किया कर, तुझे जब जरूरत होगी तेरा बाबा फिर वापस आएगा। बोले नमः पार्वती पता।